जय श्री राम, जय श्री राम। 22 जनवरी को जय श्री राम, जय श्री राम। गरीबों के लिए स्टॉल लगा है, कोई भी भाड़ा नहीं, कोई भी चार्ज नहीं, लेकिन कारोबार करो और दो पैसा। तो फिलहाल अभी हम लोग शांति के तार के हॉस्पिटल जो बोलते हैं उधर हम लोग बैठे। वैसे वहाँ पे होता क्या क्या है मम्मी? वो शुगर का, स्पेशली शुगर का इलाज। तो शांति के तार जो हॉस्पिटल है वो बुधवार और शुक्रवार को बंद रहता है फिलहाल। बदकिस्मती से आज बुधवार है, देखते हैं आज खुला होगा कि नहीं। अच्छा, बाबरी मस्जिद और इसका अयोध्या का क्या सीन है? सालों से ये विवाद चल रहा था कि राम जन्मभूमि जब बन रहा था तो मुसलमान बाबरी मस्जिद के तरफ ज़्यादा आकर्षित थे, इसीलिए कितना लड़ाई हुआ, कितना आदमी मरे। राम जन्मभूमि बनाने के लिए हिंदू लोग लड़ा और बाबरी मस्जिद बनाने के लिए जमीन के लिए वो झगड़ा चलता रहा। और ये किसी के मैंने कार्यकाल में जो प्रधानमंत्री बनाई इसको नहीं समेट सका, नहीं हटा सका। बाद में मोदी जी और उत्तर प्रदेश के जो दोनों प्रधान मैंने मोदी जी प्रधानमंत्री, योगी जी मुख्यमंत्री, इन दोनों अपना बुद्धि से, अपना विचार से इसको समापन। राम जन्मभूमि बन रहा है, अब बाबरी मस्जिद का अलग व्यवस्था हो रहा है। ये सलमान का जो था वहीं पे बनाने का वो संकल्प खत्म हो गया और उनके लिए जमीन उसा दिया गया। ठीक है, बाबरी मस्जिद भी बन रहा है और राम जन्मभूमि बन रहा है, तो मोदी जी और जो भी उनका देन है इसमें उनको हम लोग सब कुछ धन्यवाद दें कि राम जन्मभूमि जो है, राम जी का मंदिर वो अयोध्या में बन रहा है। बाबरी मस्जिद कहाँ बन रहा है? अब बाबरी मस्जिद उससे जगह दिए हुए हैं, वो हम लोग भी नहीं जानते जगह पे बन रहा है, उसके लिए अलग व्यवस्था किया गया है। और जितने मोहम्मदन मुस्लिम लोग भाई लोग हैं वो लोग सब संतुष्ट हो गए, वो लोग से राय विचार करके मशवरा करके ही सब हुआ। कोई काट मार नहीं हुआ, कोई भी विवाद नहीं हुआ, असलन से हो गया, एकदम खुशी खुशी राजी खुशी हो गया। और संजोग से 14 जनवरी 2024 को राम जन्मभूमि राम मंदिर का उद्घाटन। 22 जनवरी में ही जन्मभूमि का उद्घाटन होना है। A few moments later. Six and a half hours later. तो गाइस फिलहाल अभी हम लोग आ रहे हैं राम मंदिर की तरफ। जैसे आप देख रहे हैं पूरा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो जस्ट बिकॉज आप वहाँ पर ऑलमोस्ट हम लोग को 4 घंटे लग गए, 4-4.5 घंटे हॉस्पिटल में, इसलिए हम लोग बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए सीधा आ गए राम मंदिर की तरफ। तो देखते हैं, अभी फिलहाल कंस्ट्रक्शन हो रहा है और यहाँ का कंस्ट्रक्शन देख के लग रहा है कि ये जनवरी तक तो हो ही जाएगा ऑलमोस्ट, क्योंकि 22 जनवरी को इसका क्या बोलते हैं 22 जनवरी का उद्घाटन है राम मंदिर का। तो ये जनवरी के 20 या 18 तक ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही काम जोर शोर से चल रहा है। और ये फिलहाल वेटिंग और बैठने वाली जगह और इसका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ओहो, जय श्री राम। तो आखिरकार हम पहुंच चुके हैं राम नगरी में और जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि राम मंदिर का कार्यक्रम बहुत ही जोरों शोरों से चल रहा है। और ये शायद होटल है या फिर मंदिर है, शायद ये भी है, लेकिन एक चीज़ बता दूँ, जो राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है वो पीछे बहुत ही जोरों शोरों से और बहुत ही धूमधाम से हो रहा है, क्योंकि 22 जनवरी को फाइनली जो राम मंदिर है उसका उद्घाटन हो जाएगा। उस वजह से इस चीज़ को लेकर कुछ ज़्यादा ही सीरियसली हम लोग की सरकार राम मंदिर को बना रही है बहुत तेज़ी से। तो गाइस जैसा आप देख रहे हैं पीछे पुलिस वाले मोबाइल ले जाने से अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो शायद आगे का शूट मैं थोड़ा नहीं दिखा पाऊँगा, पर फिर भी
मैं कोशिश करता हूँ चुपके चिपकाने से मैं अपने तरीके से कुछ ट्राई करने की, अगर हुआ तो ठीक, वरना सीधा मिलते हैं लाइक यही जगह पे मिलेंगे फिर से, और अंदर की चीज़ें मैं आपको एक्सप्लोर करके बताऊँगा कि क्या कैसे और किधर से रिसीव होता है। तो जहाँ तक मैं ट्राई किया अंदर जाने की पर नहीं मिला, तो सर ने वहाँ पे बोला कि यहाँ पर आपको लॉकर देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर लॉकर है, तो लॉकर में जाके सामान सब जमा कराइए, उसके बाद आगे आप जो भी एक्सप्लोर करना है वो खुद से एक्सप्लोर करिए, मोबाइल वोबाइल सब अलाउ नहीं है। सब कुछ स्कैन करने के बाद फिर आगे यहाँ पे बढ़ेंगे लॉकर की तरफ। तो यहाँ पे फाइनली हमारा मोबाइल सब लॉक होने जा रहा है, जो कि आगे का सीन हम लोग कुछ शूट नहीं कर पाएंगे। ब्लॉक 3 में हमारा 2000 years later अंदर का नजारा OMG, और साइड से पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है फिर भी। तो आगे अंदर जाते जाते ही सबसे पहले बहुत सारा अभी धूल, कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो धूल उल सब दिख रहा था, उतना क्लैरिटी नहीं दिखा, पर फिर भी एक जो कॉन्सेप्ट होता है ना कि हाँ राम मंदिर कैसे दिखेगा, कैसे बनेगा, स्ट्रक्चर कैसा होगा, इंटीरियर कैसा होगा, पूरा डिज़ाइन हो चुका है। और अंदर दो चेकिंग चली है, एक पूरा इलेक्ट्रिक से पूरा मशीन से चेक किया कि हाँ कुछ डिवाइस वाइस कुछ लेकर एडिशनली लेकर गए हैं कि नहीं, इवन हम लोग का घड़ी भी निकाल दिया गया था। अच्छा था, बहुत मज़ा आया, और कंस्ट्रक्शन इतने ज़ोरों शोर से चल रहा है, मेरे को इस चीज़ की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, पर फिर भी बहुत ही तेज़ी से राम मंदिर बन रहा है। पापा एकदम फुल खरीदारी करने के मूड में। तो ये ऐसा एक्चुअली में ऐसा दिखने वाला है राम मंदिर, ये छोटा मॉडल है, उससे बड़ा ये उससे बड़ा वाला वो तो बनने के बाद पता चल ही जाएगा कि कैसे दिखेगा कैसे नहीं। जय श्री राम। 100 रुपए सब, ये भी 100 रुपए, ये भी 100 रुपए का, ये 50 का, ये छल्ला 20 रुपए का, कोई 20 वो 50 का इयररिंग ही है। हाँ इयररिंग, कोई सेंस है इस बात की, हमें बहुत लग रही थी उस टाइम। तो राम मंदिर में सामान खरीदने का यही नुकसान होता है, छोटी सी छोटी चीज भी बड़ी से बड़ी दाम में बेचते हैं। Many months later. तो अभी फिलहाल यहाँ का कार्यक्रम तो समाप्त हुआ, चलिए अब बढ़ते हैं सीधा हनुमानगढ़ी की तरफ, जो कि पहले यहाँ पे 5 बज चुके हैं, और पता नहीं वहाँ पे जाते जाते कितने टाइम लगेंगे और कितना घूमना पड़ेगा। तो अभी हनुमान जी की मंदिर की तरफ बढ़ ही रहे थे हम लोग, तब तक यहाँ पर दिख गया दशरथ जी का महल, जो अभी फिलहाल रिकन्स्ट्रक्ट हो रहा है। तो अभी हम लोग देखते हैं, अगर टाइम मिलता है तो हम लोग अंदर जाएंगे, तो हम लोग अंदर ट्रिप से बाहर तो निकल रहे हैं। तो फाइनली अब हम लोग को मिल गया दशरथ महल में, जो रिकन्स्ट्रक्ट हो रहा है, तो अभी उधर देखने को जा रहे हैं हम लोग देखने, और क्या कैसा अंदर देखने को मिलता है चलिए पता करते हैं। तो ये है दशरथ जी का महल जो रिकन्स्ट्रक्ट हो रहा है, चलिए अंदर। तो फाइनली हम लोग का इधर भी ये भी दर्शन बहुत अच्छे से हो गया, तो चलिए अब बढ़ते हैं सीधा हनुमानगढ़ी की तरफ, जो कि ऑलरेडी हम लोग बहुत लेट हो चुके हैं, बिना टाइम वेस्ट किए सीधा बढ़ते हैं मंदिर की तरफ। और ये रहा हनुमानगढ़ी मंदिर, Oh
सो फाइनली गाइस हनुमान जी का भी अच्छे से दर्शन हो गया। ये लोग को फिलहाल तो ऐसे कैमरा तो अलाउ नहीं कर रहे थे, पर फिर भी जहाँ तक हो सका मैं वहाँ तक किया। बाहर में अलाउ है अगर आपको शायद अलाउ नहीं करेंगे, मेरे को तो अलाउ नहीं किया, तो बाहर में आपको अलाउ है तो मैं जहाँ तक हो सका तक रिकॉर्ड किया। आई होप आप लोगों को जो ब्लॉग है ये वाला अंदर का नज़ारा है मैंने अच्छे से दिखाया होगा, कुछ भी गलती सही हुआ प्लीज़ माफ़ करिए ना। तो चलिए अब बढ़ते हैं सीधा स्टेशन की तरफ, क्योंकि यहाँ का ऑलमोस्ट हम लोग का अयोध्या सब कुछ घूमना होगा। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश के सचिव प्रधानमंत्री साधु संतों के सानिध्य में होगा, इसके नाते आपकी शुरुआत की जाए। ये थे राजू दास जी जिन्होंने आज 2300 दीपक जला करके बकायदा शौर्य दिवस मनाया है और आतिशबाजी करके भगवान राम लला के प्राण। आज सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी राम द्वारे हनुमान जी महाराज के द्वार पर आज सौर दिवस के रूप में 2300 दिए जलाकर हिंदू प्रधान में हनुमानगढ़ी के द्वारा आज हनुमान जी के मुख्य द्वार पर 2100 दिए जलाकर और पटाखे दगाकर भक्त दीप मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित होने वाले राय सुपरी को, और आज सौभाग्य की बात है सौर दिवस के रूप में मनाते हैं। कलंक का ढांचा अगर ध्वस्त नहीं होता तो आज मंदिर निर्माण संभव नहीं हो पाता, इसके नाते हम लोग हर वर्ष मनाते हैं और इस वर्ष तो लास्ट मुझको लगता है, क्योंकि अब 22 जनवरी को भगवान प्राण प्रतिष्ठित भव्य मंदिर में होने जा रहे हैं, इसके नाते आज सौर दिवस के रूप में दिए जलाकर पटाखे लगाकर हम लोग मना रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।